Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. Important thing is जो network marketing में आपको आगे बढ़ाती है, वो होती है आपकी कहानी. Use stories, अपनी कहानी, अपनी upline की कहानी, successful लोगों की कहानी. लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज पर बहुत जोर दूंगा, कोशिश करिए अपनी कहानी क्रिएट करने की. मेरी बात दो बातें ध्यान से सुनिएगा. कोशिश करिए अपनी कहानी क्रिएट करने की. दूसरी बात, कोशिश करिए कि समय समय पर आपकी कहानी में परिवर्तन आता रहे. कहानी एक सी लंबे समय तक चलेगी, लोग बोर हो जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उदाहरण के तौर पर मैं आपको जो बताता हूँ, वो ये बात आपको समझाता हूँ. एक 5% है जो नया नया वेस्टइंडीज को उसने ज्वाइन किया, उसकी कहानी किस तरीके की हो, उसकी कहानी कुछ इस तरीके की होगी कि मैं अपने मित्र से मिला था और मित्र से मिला, उन्होंने वो इस बिजनेस को कर रहे थे. उन्होंने मुझे जब बताया तो पहले मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट है. जब उन्होंने प्रोडक्ट बताया तो मुझे समझ में आया कि ऐसे प्रोडक्ट की तो मुझे जरूरत है, तो चलो उनके कहने से मैं ट्राई करके देखता हूँ. और जब मैंने प्रोडक्ट ट्राई किए तो मुझे इतने अच्छे लगे, प्रोडक्ट के इफेक्ट इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि शायद मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूँ. और जब मैं करने लगा और कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने उनको, जब अपने साथी को जिनके जरिए मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया था, उनको आगे बढ़ते देखा, तो मुझे लगा कि क्या मैं भी इसको बिजनेस के तरीके से कर सकता हूँ. तो फिर मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया. 5% की कहानी ऐसी होती है ना सर, क्योंकि वो यूजर है उस समय. अब वो 8% बना तो उसकी कहानी कैसे बनेगी कि जब मैंने प्रोडक्ट यूज करने किए थे, मुझे अच्छे लगे थे, जब मैंने इसको काम की तरीके से लिया कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, तो मैंने नॉलेज ली. कंपनी की इतनी सारी ट्रेनिंग्स थी, वो मैंने अटेंड की. CNT ट्रेनिंग अटेंड की, VLC ट्रेनिंग अटेंड, VIP ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने हेल्थ वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड की, प्रोडक्ट के बारे में जाना. और जब मुझे विश्वास आया प्रोडक्ट पर और मुझे नॉलेज भी आ गई, तो मैंने अपने मित्रों और जानने वालों को उसके बारे में बताया, तो वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से मैं 8% हो गया. समझ रहे? सो एवरी टाइम द स्टोरी इज चेंजिंग. फिर मैं 8% हुआ, अब मैं 11% कैसे हुआ? मैंने अपनी टीम में कुछ काफी सारे 8% बना दिए, मतलब लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दिलाया ट्रेनिंग देकर के कि वो भी काम करने लगे. ना माय स्टोरी अगेन चेंज्ड. तो कदम कदम पे जब आपकी स्टोरी बदलती रहती है, तो आपके वही लोग जो आपसे पिछली बार मिले थे, उन्होंने भले ही आपसे जानकर के आपका डिसीजन पर अभी आपके साथ ना नहीं किया हो, आपके साथ ना जुड़े हो, लेकिन अगली बार मिलेंगे तो आपकी स्टोरी में फिर आगे का बदलाव देखेंगे. अगली बार मिलेंगे तो फिर आगे का बदलाव देखेंगे. तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये लड़का जो बिजनेस कर रहा है, ये जो बात बता रहा है ठीक बता रहा है, और ये ग्रो कर रहा है, क्यों नहीं हम भी इसके प्रोडक्ट को यूज करके देखते. वहां से वो आपके साथ कनेक्ट. तो अपनी स्टोरी पर काम करिए. सीनियर लोगों को भी मैं यही बोलूंगा कि जब ब्रॉन्ज बने तो आपकी स्टोरी होनी चाहिए, तो पता होना चाहिए कि अगले 3 महीने में मेरी स्टोरी बदलेगी, मैं एक ब्रॉन्ज बना करके सिल्वर बनूंगा. फिर वो सिल्वर बनने के बाद अगले 3 महीने के बाद मेरी स्टोरी चेंज हो जाएगी, मैं गोल्ड बन जाऊंगा. फिर उसके 3 से 6 महीने के बाद, मेरी 4 महीने के बाद मेरी स्टोरी बदल जाएगी, मैं स्टार हो जाऊंगा. फिर मेरी स्टोरी में बदलाव आ जाएगा कि मैं कारपेंट अचीवर हो जाऊंगा. फिर मेरी स्टोरी में बदलाव आ जाएगा कि मैं डायमंड डायरेक्टर बन जाऊंगा. तो हर थोड़े दिन के बाद आपकी स्टोरी में जो चेंज है, ये स्टोरी जब आप सुनाते हैं तो लोग आपकी ग्रोथ को इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद वो आपके साथ अपने लंबे समय में अपना टाइम लगाते हैं.